बड़ी दुख की घड़ी है वो ना, जनता सड़कों पर पड़ी है और गूंगी बारी सरकार का कुछ याद नहीं है। ये मेरा नौजवान साथी चला गया, सेवा में लगे हुआ था टिकरी बॉर्डर पे, सारी दिन रात सेवा कर रहा था, किसानों की इसमें दर्द नहीं उठा, किसानों का दर्द निशान होया। 80-80 साल के गुजर पड़े हैं, मेरी माता बहने पड़ी, छोटे छोटे बच्चे पड़े हैं, इसमें दर्द निशान किया गया। अरे भाई बाम ने छोड़ के चला गया, इनका बलिदान खाली नहीं जाओगे गूंगी बारी सरकार का लोग जूम नहीं सड़ा रही है। और किसान ये नहीं, सारे कंधे के कंधा मिला के खड़े रहो और आपस में साथ करो, भाईचारा बढ़ाओ, मेरी साथ जोड़ के यही विनती है सभी किसान भाइयों से। जय जवान जय किसान। भाई अमरपाल ढोल अमर रहे, 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 किसान एकता जिंदाबाद, भाई अमरपाल ढोल अमर रहे। बड़ी दुख की घड़ी है वो ना, जनता सड़कों पर पड़ी है और गूंगी बारी सरकार का कुछ याद नहीं है। ये मेरा नौजवान साथी चला गया, सेवा में लगे हुआ था टिकरी बॉर्डर पे, सारी दिन रात सेवा कर रहा था, किसानों की इसमें दर्द नहीं उठा, किसानों का दर्द निशान होया। 80-80 साल के गुजर पड़े हैं, मेरी माता बहने पड़ी, छोटे छोटे बच्चे पड़े हैं, इसमें दर्द निशान किया गया। अरे भाई बाम ने छोड़ के चला गया, इनका बलिदान खाली नहीं जाओगे गूंगी बारी सरकार का लोग जूम नहीं सड़ा रही है। और किसान मरता जा रहा है, 30-35 किसानों का बलिदान हो लिया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई ठंड के कारण मर गया, किसी का अटैक हो गया, और सरकार आज भी मलार के कह रही है। बड़ी दुख की घड़ी है, कहने कुंड के था भाई पत्रकार, किसान की तो बहुत बुरी दशा है, किसान के साथ जिसका लाल गया कह रहा है यार भाई,
छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे शहीद का दर्जा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी और उसको ज्यादा से ज्यादा उचित मुआवजा दिया जाए। अपना इसकी नौकरी भी होनी चाहिए, यू आज अमर हो चुका है, किसानों का न्यू नहीं बेरा कितने का अमर हो जाएंगे।